और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही की वजह से 2 महीने के एक मासूम की मौत हो गई। बच्चे को इलाज के लिए लेकर परिवार रायपुर पहुंचा था। स्टेशन से बच्चे को एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर एम्बुलेंस का दरवाजा नहीं खुला। 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस को खोलने की कोशिश होती रही, लेकिन दम घुटने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। तो ये दुखद घटना हम आपको दिखा रहे हैं, रायपुर की है। एक 2 महीने के मासूम की मौत हो गई है, और वो इसलिए क्योंकि एम्बुलेंस का दरवाजा नहीं खुला। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। सत्य प्रकाश, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर पहले ही जो मृतक बच्चा है उसे लेकर परिजन जो थे, माँ बाप, ये दोनों शमशान घाट आए हैं और वहां पे बच्चे का अंतिम संस्कार किया जा रहा है स्थानीय पूर्व विधायक के सहयोग से। लेकिन ये मामला बेहद छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है अम्बेडकर अस्पताल, जिसकी चौखट पे, जिसके मुख्य द्वार के सामने इस बच्चे ने एम्बुलेंस में दम तोड़ा है। 1.5-2 घंटे तक जद्दोजहद होती रही, मैकेनिक तक को बुलाया गया क्योंकि जो कर्मचारी तैनात है एम्बुलेंस में वो प्रशिक्षित कर्मचारी था और इसलिए वो खोल नहीं पा रहा था दरवाजा एम्बुलेंस का। बच्चे के माँ बाप रोते रहे, बिलखते रहे कि उन्हें शीशा तोड़ा जाए, लेकिन फिक्र शीशा टूटने की थी, एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचने की थी, फिक्र इस बात की नहीं थी। बिल्कुल सत्य प्रकाश, हमारे जहन में भी यही बात आ रही है, दरवाजा नहीं खुला तो किसी और तरीके से निकालते, आगे से निकालते, शीशा तोड़ते, क्यों नहीं तोड़ा गया? बिल्कुल देखिए, क्योंकि वो जो कर्मचारी था उसे इस बात की फिक्र थी कि उसका शीशा टूटेगा तो कहीं से उससे हर्जाना तो नहीं मांग लिया जाएगा, ये एक बड़ा डर हो सकता है। हालांकि अब प्रथम दृष्टया पुलिस भी ये मान रही है कि जो तैनात था कर्मचारी उसकी गलती है और उसके वैधानिक कार्रवाई भी होगी, लेकिन मासूम की जान तो चली गई। यहां तक भी बात सामने आ रही है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद था एम्बुलेंस में उसमें ऑक्सीजन भी नहीं थी। जब मृतक बच्चे के पिता से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ऑक्सीजन सिलेंडर जब लगाया गया तो उससे ऑक्सीजन पास नहीं हो रहा था। मैकेनिक ने कहा कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, दरवाजा जब खुलेगा तभी बच्चा बाहर निकलेगा और 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो दम तोड़ चुका होता है। एम्बुलेंस एक मिनी हॉस्पिटल होती है, उसमें जरूरी जरूरत का हर सामान होता है, लेकिन ये जो एम्बुलेंस थी अपने आप में एक मौत की वाहन बन गई है। सत्य प्रकाश, हॉस्पिटल का क्या कहना है? बिल्कुल देखिए, हॉस्पिटल प्रबंधन इसमें कुछ भी कहने से साफ बच रहा है क्योंकि हॉस्पिटल का प्रबंधन ये कह के अपने हाथ खड़े कर रहा है कि हॉस्पिटल का मामला नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग और जीवी के कंपनी, जिस कंपनी के तहत ये एम्बुलेंस संचालित होती है उसके बीच का मामला है, सीधे विभाग से इसकी बात होती है। हालांकि कई दफे इस तरह के लापरवाहियों के मामले सामने आए हैं। अभी चूंकि कल से यहाँ पे एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल चल रही है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे अप्रशिक्षित लोगों को रख दिया गया है, कर्मचारी और ड्राइवर, इसलिए इस तरह की लापरवाही बड़ी घटनाएं आ रही है। मतलब पूरी तरह से अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग तकघरे में खड़ा होता है इस मौत को लेकर। शुक्रिया सत्य प्रकाश जानकारी देने के लिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, एम्बुलेंस चलाने वाले की भी है, उस हॉस्पिटल की भी है। आखिर कैसे इस 2 महीने के मासूम की जान चली गई जब वो एम्बुलेंस में मौजूद था?